तो हम लोग ना अपनी सेफ्टी के लिए वेपन रखते हैं, और हम लोग रखते हैं हाँ कट्टा। कट्टा पता है ना सबको यहाँ पे, क्योंकि मैं ये जोक ना 6 साल से हैदराबाद में कर रही थी, वहां समझाना पड़ रहा था। फिर मैंने दिल्ली आके किया ना, तो एक जन ने निकाल ही लिया। कट्टे की एक खास बात है ना, कि उसमें 6 सिग्मा नहीं होता, इट कैन फायर फ्रॉम बोथ एंड्स, बट यू विल ओनली नो आफ्टर यू फायर। तो ऐसे आप मर्डर करने गए करण, मैं चला गया मर्डर करने, आप मर्डर करने गए, अब मान भी गया, कहता हाँ मैं गया, ये मर्डर करने गए। लेकिन केस सुसाइड का भी बन सकता है। हमारे में एक्सपोजर थोड़ा कम है, हमारे यहाँ कोई बॉलीवुड की मूवी आ जाती है ना, तो सारी बंदियों के ब्लाउज का डिजाइन और सारे बंदों का हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। तुम्हें सलमान खान की तेरे नाम याद है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक मांगने का वो मूवी आई ना मुजफ्फरनगर में, सब सलमान खान, रेडी वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, जूस वाला। मैं एक जूस वाले के पास गई, राजू जूस स्टॉल, पहले तो यहाँ से यहाँ तक मांग निकाल लो यार। फिर मुझे अपनी तरफ आते हुए देखते फुल टशन में आ गए, लाइक ही बेंट टुवर्ड्स हिज राइट, लुक्ड एट मी इन माई आईज एंड सेड हाँ मैडम, क्या लेंगी आप? मौसम्बी, संतरा या फिर ग्रेप्स? मैंने कहा भैया ये बताओ कि जो जूस है आपकी मशीन में से निकलेगा, डायरेक्ट मांग में से ही निकाल दोगे आप? हमारे यहाँ सच में, मैं दिल्ली में हैदराबाद में देख रही हूँ बच्चों को कितना एक्सपोजर है, स्कूल में कॉमेडी चल रही है, टोस्ट मास्टर्स चल रहा है, एक्सटेम्परे, टर्नकोट इवेंट्स, डिबेट्स, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एनुअली एक डिबेट कॉम्पिटिशन, और टॉपिक हर साल सेम, साइंस, बून और बेन। मैं हर साल फॉर में, और मेरी एक फ्रेंड थी मानसी, वो हर साल अगेंस्ट में। तो एक बार मानसी का ट्रांसफर हो गया दिल्ली, तो उसे लाइफ में एक्सपोजर मिलने लगा। तो मैंने उसे पूछा मानसी तेरा टॉपिक क्या है इस बार वहाँ पे, कहती है मेरा टॉपिक है आर लिविंग रिलेशनशिप्स बेटर देन मैरिजेस। मैंने कहा तो बहुत ही सही टॉपिक है, वैसे क्या होती है लिविंग रिलेशनशिप्स? कहती है मम्मी ने बताया है कि इस वाली शादी में ना दहेज नहीं देना पड़ता है। फिर अगले साल मैंने पूछा कि इस साल बता तेरा टॉपिक क्या है, कहती है मेरा टॉपिक है Should prostitution be legalized in India? मैंने कहा तो बहुत ही सही है, वैसे क्या होता है prostitution? कहती है मम्मी ने बताया है कि इस वाली शादी में ना लड़की को दहेज मिल जाता है। फिर तीसरे साल मैंने पूछा कि इस साल बता दे तेरा टॉपिक क्या है, कहती है मेरा टॉपिक है इस virginity prerequisite to marriage. और मम्मी ने बताया कि वर्जिनिटी, मैंने कहा पता है मुझे, prerequisite बता दे क्या होता है। कहती वैसे तेरा टॉपिक क्या है, मैंने कहा मेरा टॉपिक है पॉपुलेशन, बून और बेन। हमारे यहाँ स्पेस का कॉन्सेप्ट, प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में किसी को स्पेस मिलता ही नहीं है। मुझे पता है लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेस कब मिला? जब मेरी शादी हुई और मैंने लहंगा पहना, क्योंकि मेरा लहंगा इतना बड़ा था। देखे तुमने वो लहंगे, उनमें अंदर प्लास्टिक घुसा के रखते हैं, सब खुला के रखते हैं, और मैं खड़ी हूँ घड़ी के एक डंडे की तरह। एंड देन आई हैड टू गो टू पी, नाउ आई कैन जस्ट वॉक टू द वॉशरूम लाइक दिस बिकॉज दिस लहंगा इज हैवी, सो 4 पीपल एस्कॉर्ट मी टू द वॉशरूम। नाउ आई कैन जस्ट लिफ्ट अप माई लहंगा एंड सिट ऑन द कमोड बिकॉज दिस लहंगा इज नॉट ओनली हैवी, इट्स ऑल्सो वेरी स्टिफ, so these 4 people lift it up for me. Now suddenly I'm inside this funnel. With a beautiful 360 degree view. Star-studded view. Because my lehenga is beautiful.
दैट्स व्हेन आई थिंक टू माई सेल्फ दैट दिस इज व्हाट मैरिज इज लाइक. इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम ऑन द सर्फेस बट बिलो लाइज द नेकेड ट्रुथ. और पता है जैसे बड़े शहरों में देखोगे गेस्ट के पास ना अपना सब प्रिवेसी है, अटैच बाथरूम ये सब है. हमारे ना मुजफ्फरनगर में आदमी के पास पैसा भी है ना तो वो खर्चता नहीं है. हमारे यहाँ एक बड़ा हॉल है, उसी में मेहमान तैयार हो रहे हैं, उसी में ब्राइड तैयार हो रही है, और उसी में हलवाई लड्डू भी बना रहा है साइड में. और ऐसे में ना मेरी चाची मेरे पास आती हैं, कहती हैं लाली जरा सा अपना लहंगा ऊपर को कर लिए. एंड बिफोर आई कुड रियलाइज शी गॉट इन साइड माई लहंगा. या अपेरेंटली शी वॉज नॉट गेटिंग प्लेस टू चेंज हर ब्लाउज. वॉट हैपन नेक्स्ट विल ब्लो योर माइंड. She switched on her phone का टॉर्च फॉर अ clearer व्यू. आई हैड अ हेलो एट द रॉन्ग प्लेस एंड प्रिसाइसली एट दैट मोमेंट somebody handed me an envelope. It said, "Wish you a bright married life." फिर ना चाचा जी का कॉल आ गया, उन्होंने मुझसे उठा भी लिया. हेलो हेलो टिंकू के पापा हेलो. अरे लाली के लहंगे में हूँ, यहाँ नेटवर्क ना आ रहा. I spent 50,000 on my lehenga. There is no network in it. Then she wanted her daughter also to join inside, so that her blouse could be hooked properly. That's when I draw the line, guys. That if this is a changing room, only one person is allowed, please. कौन कौन married है यहाँ पे? आप? आप कितने साल हो गए शादी? दोनों एकदम. Candid photography कराई थी आपने शादी में? हाँ बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया. कराई थी? हाँ तुमने देखी है कैंडिड फोटोग्राफी? क्या मस्त क्रेज है उसका. सब कुछ एकदम ऐसा लगता है परियां उतर आई हैं जमीन. मैं छोटे शहर से हूँ लेकिन मेरा भी मन था कि यार मैं भी कराऊंगी कैंडिड फोटोग्राफी अपनी शादी. तो मैं पहुँच गई मुजफ्फरनगर के बेस्ट फोटोग्राफर सोनू भैया फ्रॉम अम्बा फोटो स्टूडियो. मैंने कहा भैया मेरे को ना कैंडिड फोटोग्राफी करानी है. कहते हैं हाँ हाँ मैडम कैन डू फोटोग्राफी. मैंने कहा भाई कैन डू नहीं कैंडिड. मैं समझाती हूँ तुम्हें ऐसा होता है क्योंकि ऐसे रियल मोमेंट्स कैप्चर होते हैं, ऐसे स्टोरी की तरह सब कैप्चर होता है. तो उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, वही रोक दिया. क्योंकि देखो यूपी के लोगों की एक खास बात है कि उन्हें कुछ आता या नहीं आता उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है. कहते हैं तुमने भैया कह दिया हो जाएगा, हो जाएगा भी नहीं हो जाएगा. और अगले दिन पहुंच गए अपने कैमरा की गदर ही मचा देंगे, सारे रियल मोमेंट्स कैप्चर कर लेंगे. कोई बेचारा गोलगप्पे खा रहा है उसका पानी गिर रहा है, ये आ गए. साइड में जाके खुजा रहा है कि प्राइवेटली कि समझाने में कोई देख ना ले, ये आ गए यहाँ से कैप्चर. फूलों वाले गेट की फोटो ले रहे हैं, उसके पड़ोस के गेट की भी फोटो ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हाशमी दवा खाना, सेक्स रोगी, गुप्त रोगी, शीघ्र पतन रोगी मिले. ऐसा लग रहा है कि लोग शादी में नहीं जा रहे हैं, बवासीर का इलाज कराने जा रहे हैं. और जब वीडियो बन के आई ना तो मैं तुम्हें क्या, सोनू भैया यूज ऑल द वॉलपेपर्स एंड ग्राफिक्स ऑन हिज डेस्कटॉप टू क्रिएट दिस अनप्रेसिडेंटेड पीस ऑफ आर्ट. अभी जैसे वीडियो का फ्रेम है, हाँ यहाँ दुल्हन टिमटिमा रहा है, यहाँ पे दुल्हन टिमटिमा रहा है, यहाँ से दूल्हा घूमते हुए आता है, यहाँ से दुल्हन धूम केतु की तरह घूमते हुए जाता है. और बीच में होती है भिड़ंत, और उस भिड़ंत में से निकलता है जीवन का सार, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. बात तो चमत्कारी ग्राफिक्स, हवाएं चल रही हैं, जानवर भाग रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है शादी नहीं हो रही है प्रलय आ गई. फिर हम वीडियो में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों से निकल रहे हैं, वो फूल में से निकल रहा है, मैं पत्ती में से निकल रहा हूं, वो कटोरी में से निकल रहा है, मैं भगोने में से निकल रहा हूं, घड़ी से निकल रहा है, मैं घड़ी के डंडे में से निकल रहा हूं. एक जगह तो हमारी फोटो पता है माइक्रोवेव ओवन के डोर पे. और मैंने एक वीडियो फ्रेम में देखा, इधर मैं टिमटिमा रही हूँ, इधर दूल्हा आ रहा है टिमटिमाते हुए. मैंने देखा दूल्हा ही गलत, इन्होंने
नीचे लिख दिया रब ने बना दी जोड़ी।